अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वाराणसी अब गरीबों पर बांटने वाले राशन पर भी हो रही है राजनीति। संपूर्ण भारत में लॉकडाउन होने के बाद गरीब असहायों को सरकार राशन किट उपलब्ध कराया जा रहा है। अब इस राशन किट को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विभिन्न क्षेत्रों के कांग्रेस व निर्दलीय पार्षदों ने राशन किट को लेकर सवाल खड़ा किया है। पार्षदों का कहना है कि शासन द्वारा राशन किट उपलब्ध कराया गया, लेकिन भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए यह राशन किट उन लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है जिनको राशन की आवश्यकता भी नहीं है। आज तक जरूरतमंदों में राशन उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिसे लेकर क्षेत्रीय जनता हमेशा हम पार्षदों के पास पहुंचकर राशन मांगने का कार्य कर रही है, जबकि हमारे पास राशन किट उपलब्ध ही नहीं कराया गया है, जिसको लेकर हम लोगों ने तहसील में धरना दिया था, आदमपुर जोन में धरना दिया था, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। इस प्रकरण में आज हम लोग डीएम कार्यालय पहुंचे हैं और यहां पर जिलाधिकारी को या उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपेंगे। मैं अफजाल अहमद अंसारी वार्ड नंबर 70 में कांग्रेस से पार्षद हूं। लगातार 1 तारीख से हम सारे हमारे कांग्रेस के पार्षद हम लोग 25 तारीख के पहला धरना हम लोगों का था तहसील में, उसके बाद 28 तारीख को हम लोग महानगर कांग्रेस कमेटी में हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस करके प्रशासन को जगाया गया, उसके बाद 8 तारीख को आदमपुरा जोन पर हम लोगों का धरना चला, उसके बाद 11 तारीख को हम लोग वाराणसी के नगर आयुक्त से हम लोगों से मुलाकात हुई। बनारस का प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ यहाँ के प्रशासन के लोग, मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ। 1 महीने से लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ ये लॉकडाउन में, आज 53 दिन लॉकडाउन का हो गया है। हम लोग बुनकर इलाके से चुन के आते हैं, आज तक मेरे वार्ड नंबर 70 कटेर में 1 विकेट प्रशासन द्वारा नहीं बटाया गया। हम लोगों से लिस्ट 17 तारीख को हमने लिस्ट दिया है, आज 11 तारीख है, और 50 बार में बनारस के जिला अधिकारी महोदय हम लोगों ने बात किया, उसके बाद तहसील सदस्य से बात हुई, SDM से बात होती तो वो कहते हैं कि DM को प्रतिनिधि बांटेंगे। क्या लोकतंत्र में अफजाल अंसारी को जनता ने वोट नहीं दिया है? क्या ये हमारे पार्षद हमारे भाई, हम लोग जनता से नहीं चुनका है? लेकिन इनके सत्ता के बल पर ये लोग सीधे सीधे सत्ता के बल पर गरीब का शोषण कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा उनके लोगों को बांटा जा रहा है। इनका संगठन बांट रहा है, इनके मंत्री बांट रहे हैं, इनके सभासद बांट रहे हैं, इनके विधायक बांट रहे हैं, जो विपक्षी पार्षद है। जब से भारतीय जनता पार्टी लॉकडाउन शुरू हुआ है, हम जैसे पार्षद जो बुनकर एरिया से, हमारे यहाँ 40 मजदूर है, हमारे यहाँ बुनकर इलाका है, जहाँ के आज 53 दिन के जो गरीब जिसका राशन कार्ड नहीं था, हम लोग लिस्ट दिए हुए बार बार जिला अधिकारी महोदय से, तहसील सदर से, SDM से, आज तक हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम सारे पार्षद, अगर आज जिला अधिकारी महोदय हम लोगों को अगर आश्वासन नहीं दिए, अगर यदि 24 घंटे अंदर अगर हम लोगों के वार्ड में राशन नहीं बटा, तो अगला आंदोलन हम लोगों का तब तक चलेगा जब तक हम लोग अपने राशन कार्ड सारे वार्डों में गरीब के जनता के बीच में हम बंटवा नहीं लेंगे, और सत्ता के बल पर गरीब जनता का शोषण करना ये लोग बंद कर दे, नहीं रमजान के महीने में इन लोगों के बद्दुआ लगेगी, ये सीधे सीधे मेरा आरोप है। क्या परिचय? राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। आज किस मामले के लिए आप लोग डीएम कार्यालय पहुंचे? आज हम लोग लगातार बनारस में हमारे जो गैर भाजपा पार्षदों के साथ पासवर्डी की जा रही है, को इग्नोर किया जा रहा है, और राशन के नाम पे लिस्ट हमारे पार्षद लोग बना रहे हैं अपने वार्ड में घूम घूम के, लेकिन जब वितरण की बारी आ रही है तो कोई और भी पैदा हो जा रहा है, पता नहीं किससे बंटवाया जा रहा है और किसको दिया जा रहा है, ये अजूब पहली बनी हुई है। हमारे पार्षदों के ऊपर लगातार इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्षेत्र के लोग कि उनको नहीं मिला, प्रशासन पता नहीं कहां कहां से आंकड़े ला करके किसको दे करके उपलब्ध करा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग लगातार हमारे पार्षद सारे लोग तहसील से लेकर के अपने जोनलों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर आयुक्त को भी परसों इन लोगों ने पत्र दिया और 24 घंटे का उनको वक्त भी दिया था। नगर आयुक्त महोदय द्वारा इन लोग के साथ जब नहीं किया तो आज हम मजबूरी में DM साहब को अवगत करा करके आए हैं। DM साहब से वार्ता हुई है, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है, लेकिन अभी उनके प्रतिनिधि हमारे बीच आने वाले हैं, हम उनसे मौखिक वार्ता करके अपना मांग पत्र सौंप करके यहाँ से जाने का। कब से ये मसला उठा है और कैसे आपको जानकारी है? ये मसला जिस दिन से प्रशासन ने इस राशन किट को जारी किया बनारस में,
मैं वही आपको बताया अभी कि सारी लिस्ट हमारे पार्षद भाइयों ने बनाई, लेकिन वितरण वाले दिन इनको पूछा तक नहीं गया। लगातार इस तरह की समस्या रही और लोग इनके ऊपर लगातार जनता का दबाव बना हुआ है। जो उपयुक्त लोग हैं इनके ऊपर दबाव बना करके इनसे रोज़ राशन की मांग कर रहे हैं, अपने लिए सहायता की मांग कर रहे हैं, जिसमें लाचार कहीं ना कहीं से व्यक्त कर रहे हैं और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए लोग लगातार उस लड़ाई को लड़ भी रहे हैं। आपके मीडिया के माध्यम में आपने देखा होगा, तहसील, जोनल, नगर आयुक्त के यहाँ लगातार क्रमवार चल रहा है। उसी क्रम में आज हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं, उनके प्रतिनिधि आ जाएंगे, उनसे वार्ता करके ही हम यहाँ से झट निपटेंगे। तो उधर भी जो भी राशन किट बटे हैं तो किसके द्वारा बटे, प्रशासन द्वारा बांटे गए या फिर किसके द्वारा बांटे गए? नहीं नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ प्रशासन द्वारा उपलब्ध जरूर कराया गया है, लेकिन बांटा जा रहा है भाजपा से जुड़े लोगों को और भाजपा को खुश करने के लिए बांटा जा रहा है, भाजपा के जुड़े नेताओं को खुश करने के लिए बांटा जा रहा है।